नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि मैं तरुण गिल ने जो वीडियो बनाई है मास्टर बीट के ऊपर, मैं उसी वीडियो के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। वैसे उनकी वीडियो को मुझे रोस्ट करना, कुछ उनके वीडियो के ऊपर बनाना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, ना ही मैं बनाना चाहता। बट वो बहुत सारी ऐसी, मैं उनकी वीडियो देखता रहता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ। उनका साइज अच्छा है, उनकी बॉडी बहुत अच्छी है, मुझे उनसे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी करते हैं वो कि जिनका कोई सर पैर नहीं होता, कहीं से भी उठा के कोई भी बातें कर देते हैं। और आप इतने अच्छे स्पोर्ट्स मैन हो, सब कुछ है, उसके बावजूद आप वहाँ पे आके गाली देते हो। इस प्लेटफॉर्म पे आके आपके इतने ज़्यादा फॉलोवर हैं, उसके बावजूद आप गाली देते हो। ये अब्यूजिंग लैंग्वेज मेरे हिसाब से तो आपको यूज करनी नहीं चाहिए भाइयों। और दूसरी बात, उन्होंने मास्टरबीट के ऊपर वीडियो बनाई है। भाइयों, हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हम हनुमान जी की पूजा करके जब जाके जिम स्टार्ट करते हैं। सुबह हमारी कोई भी जिम हो, जिम में हम पहले हनुमान चालीसा चलाएंगे, हनुमान जी की आरती चलाएंगे जब जाके। भाइयों, हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि सब इसी चीज पर टिके हुए हैं कि इन सब उल्टी सीधी चीजों से बचा जाए। मैं आज तक कौन है सब, हम इंडिया में ऐसे ऐसे रेसलर हुए, ऐसे ऐसे पहलवान हुए, सब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुए, बट आपने कहीं सुना है कि मास्टरबीट करो? यार ये मास्टरबीट का की एडवाइस दे रहे हैं भाइयों। मैं आपको, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको जिम ज्वाइन करनी है, अगर जिम जा रहे हो, तो भाइयों इन फालतू की बातों पर विश्वास ना करें। अगर आपको नींद नहीं आ रही, उसका मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा इस वीडियो में। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि मास्टरबीट करके आप नींद लो भाइयों, सुबह आपसे उठा भी नहीं जाएगा। जो आदमी आपको एडवाइस दे रहा है, उसने बल्क में इतने ज़्यादा स्टेरॉयड ले रखे हैं, उसे अपना चैनल वायरल करना है और उसे कुछ भी बोलना है। भाई आपके लोअर बैक पेन जब भी होता है, सुबह आपको आपसे उठा नहीं जाता, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन रहता है, जिस भी बेड पे, आप खाट पे या आप सोफे, कहीं पे भी, जैसे कि कहीं पे भी आप स्लीप कर रहे हैं, नीचे जमीन पे कर रहे हैं, आपको सुबह उठने में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, आपके लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। कभी भी जिम में जाते हो, हल्का सा वेट उठाया, तुरंत आपके लोअर बैक स्टार्ट। भाइयों, बार बार लड़के कहते हैं जिम में जाने के बाद कि मुझे बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है, मेरे लोअर बैक हो गया। लोअर बैक जब कभी भी होगा, वीकनेस की वजह से होगा। मैंने एक वीडियो पहले भी इस पर बना चुका हूँ। दूसरा, इन्होंने मास्टरबीट के ऊपर वीडियो बनाई है, मैं इसी वीडियो को रोस्ट कर रहा हूँ उनकी को। वैसे मेरा रोस्ट करने का कोई वो नहीं था, बट उन्होंने आज की डेट में जनरेशन को गलत ट्रैक पर लेके जा रहे हैं, तो मैंने बस इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। भाइयों, कभी भी हमें मास्टरबीट नहीं करनी चाहिए। जब कभी भी आप कोई स्टडी करते हो या आप जिम करते हो, कुछ भी करते हो, अगर आप मास्टरबीट नहीं करते, तो आपकी लर्निंग पावर, बॉडी की स्ट्रेंथ, स्टेमिना, वाइटालिटी, बहुत सारी चीज़ों में इससे फायदे होते हैं बहुत ज़्यादा। हमारे सीवन जैसे ही हम स्टोर करके रखते हैं अपनी बॉडी में, इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अगर आपकी बॉडी में पंप नहीं आ रहा, तो अगर आप ये मास्टरबीट और सेक्स करना बंद करेंगे, तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पंप आएगा, बॉडी बहुत ज़्यादा मस्कुलर रहेगी। ये वो जैसे वर्डों का यूज करते हैं अब्यूजिंग लैंग्वेज का, मेरा वो वाले वर्ड यूज करने का इस वीडियो में मन कर रहा है, क्योंकि इसलिए क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी कह दी है कि मास्टरबीट करने के बाद आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा पंप आएगा। मैं इसे साइंटिफिकली इसे प्रूव करके दिखा दूंगा आपको, और किसी भी डॉक्टर से एडवाइस ले लेना। अगर आपसे कोई भी कह दे कि मास्टरबीट करो, मास्टरबीट से आपका पंप आएगा, भाई वो बंदा बोल रहा है कि मास्टरबीट से पंप आएगा, उसका पंप आ रहा है इंजेक्शन लेने से, स्टेरॉयड लेने से, और वो तुम्हें एडवाइस दे रहा है कि मास्टरबीट करोगे पंप आएगा, अच्छी नींद आएगी। भाइयों, नींद दो कंडीशन में आती है अच्छी, या तो आप ज़्यादा थके हुए हों या आपको ज़्यादा वीकनेस हो, दो कंडीशन में आपको नींद अच्छी आती है।
ऐसा नहीं है कि आपने मास्टरबेट कर दी और तुरंत आपको नींद आएगी। बहुत अच्छी बात है, मुझे पता है आपको बहुत ज्यादा, आप एक बात सोचो, आप पूरे दिन पूरे बहुत ज्यादा थकान का काम करके आए, बहुत ज्यादा मेहनत का काम करते हो, कुछ भी मेहनत का, खेत में करते हो, कहीं पे भी करते हो, जब कोई भी मेहनत का ज्यादा काम करते हो, आपको सड़क से नींद आएगी, आप बिस्तर पे आओ फट से सो जाओगे। अब मान लो आपको नींद नहीं आ रही, आपने मास्टरबेट की और तुरंत आपको 2 मिनट में नींद आ गई, भाइयो आप ये तो सोचो उस टाइम पे आपको कितनी वीकनेस हुई होगी, तभी तो आपको नींद आई है। और वो बंदा आपको बोल रहा है कि मास्टरबेट करोगे तो हेल्दी होगे, मस्कुलरिटी आएगी, भाइयों ऐसा कुछ भी नहीं है। मास्टरबेट नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। मास्टर वन टाइम मास्टरबेट एंड 5 times सेक्स इज इक्वल, ये मैं नहीं, आप डॉक्टरों से पूछ लेना, किसी भी डॉक्टर से एडवाइस ले लेना, और आपकी जो स्पार्ट्स की मसल्स होती हैं, जो वेन्स होती हैं, वो डैमेज होती हैं मास्टरबेट से। आगे के लिए आप फ्यूचर में आपकी टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। भाइयों करना है तो सेक्स, मास्टरबेट बिल्कुल भी नहीं। मेन वर्डों को मैंने उनकी वीडियो देखी, आज ही उन्होंने वीडियो डाली है, और आज ही मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हमारी जो जनरेशन है इसमें ये इसका गलत प्रभाव ना पड़े। मेरा बस और कोई मोटो नहीं है, मैंने अभी तक उनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई, वो सभी को गाली भी देते हैं, भाइयों तुम इतने बड़े स्पोर्ट्समैन बन गए हो, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो, मैं जाके गाली दे रहे हो यार। आपने कभी देखा है तरुण गिल भाई, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कभी देखा है इंडिया में इतने अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं या वर्ल्ड में कोई किसी स्पोर्ट्समैन के ऊपर रोस्ट करने के लिए वीडियो बनाता है? आपके ऊपर क्यों बनाते हैं सब? आपने कभी सोचा है? आप कभी कहते हो मैगी खाओ, भटूरे खाओ, छोले खाओ, ये खाओ, वो सब बातें एक तरफ अलग है, बट मैं नहीं ये कह रहा हूँ यार, किसको जनरेशन को किस वे में लेके जा रहे हो यार? आपके फॉलोवर अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, आपको बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं, भाई मैं भी अच्छे आपको फॉलो करता हूँ, आपकी बॉडी अच्छी है, आप बहुत अच्छे हो, इंटरव्यू लेते हो, बहुत बहुत अच्छे लोगों से मिलते हो, सब कुछ अच्छा है यार, ऐसी एडवाइस तो मत दो। और एक आप अपने पीछे कोच को खड़ा कर लेते हो, वो भी बोल देता है कुछ भी आगे, ये हेल्दी है, ये बढ़िया है। भाई मेरा कहने का मतलब ये है, मास्टरबेट नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको मास्टरबेट जो वो कहते हैं ना, नींद नहीं आती, नींद क्यों नहीं आती? अगर आप अच्छा अच्छी मेहनत की है आपने पूरे दिन में, तो आपको बहुत अच्छे से नींद आएगी। दूसरी बात, अगर आप इवनिंग में एक्सरसाइज करके आए और आपने प्री वर्कआउट लिया है या कॉफ़ी ली है, कैफीन कैसे भी आपकी बॉडी में गई है, तो भाइयों आपको नींद आने में दिक्कत होगी। आप तो मेरी अकॉर्डिंग आपको प्री वर्कआउट इवनिंग में नहीं लेना चाहिए। अगर आप प्री वर्कआउट लेते हैं या किसी भी कैफीन को कंज्यूम करते, तो आपको मॉर्निंग में वर्कआउट करना चाहिए, जल्दी से आपको इवनिंग में नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी। तो मेरी अकॉर्डिंग आपको प्री वर्कआउट अगर आप मॉर्निंग में लेंगे, शाम को आपको इवनिंग में अच्छे से नींद आएगी। दूसरा, 8 to 8:30 तक आप अपना खाना रखोगे, खाना खाओगे, खाने का शेड्यूल 8:30 तक रखोगे, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। भाइयों आप बेड पे लेट जाओ, 9:30 तक सो जाओ, 10 तक सो जाओ, आपको नींद आ जाएगी। यार ये कौन सा तरीका बता दिया है सामने वाले ने? अभी 1-2 साल से बंदा जिम करने लगा है और नई नई कहानी बता रहा है, पहले सेठ जी जैसा जैसा पेट निकल रहा था, पूरा बॉडी ऐसी लटकी हुई थी यार, तुम अब 2 दिन में आ गए तो मैं ट्रेनिंग के बारे में सब कुछ पूरी जानकारी होगी। भाई मेडिकल फील्ड से हूँ मैं, 10 साल का एक्सपीरियंस है मेडिकल फील्ड का, मैं जिम की बात इतनी नहीं कर रहा आपसे, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, जिम भी करता हूँ, बट ऐसे नहीं, स्टेरॉयड नहीं लेता मैं, नॉर्मली रहता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी कुछ लेना है, हेल्दी लें, नींद की गोली ना लें, आपको अगर मॉर्निंग में एक्सरसाइज करोगे तो इवनिंग में अच्छी नींद ऑटोमेटिक आएगी। अगर इवनिंग में तो आप प्री वर्कआउट लेके जिम जाओगे तो आपको नींद सही से नहीं आएगी, आपकी नींद स्लीप डिस्टर्ब होगी। तो भाइयों मास्टरबेट ना करें, सबसे ज़्यादा वीकनेस उसी से होती है। ये कह रहे हैं उससे वीकनेस नहीं होती, पंप आता है, मैं कह रहा हूँ उससे कुछ भी नहीं आता, उससे सबसे ज़्यादा इंजरी होती है मास्टरबेट करने से। अगर मास्टरबेट आप कंटिन्यू करो 2-4 दिन
आप जिम में वर्कआउट करते रहो आपको इंजरी आ जाएगी, लोअर बैक में इंजरी आएगी। लोअर बैक में इंजरी आने का सबसे मेन कारण मास्टरबीट है। और जिन भाइयों को बेड पे लेटते हैं, कहीं पे भी लेटते हैं, सुबह को उठते हैं, उठते टाइम उनको लोअर बैक होता है, उनको मास्टरबीट की ही वजह से लोअर बैक पेन होता है। आप मास्टरबीट एक महीने छोड़े, ये तो मास्टरबीट डेली करने की कह रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं एक महीने आप मास्टरबीट ना करें। एक महीने बाद आप अपनी बॉडी में साइज देखें, पंप देखें, मस्कुलरिटी देखेंगे, आप खुद कहेंगे कि पहले से और अब में मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आई हुई है, मैं वेट भी अच्छा मार रहा हूं जिम में। जिस भी आप वेट पे, अगर आप 15 kg या 50 kg चेस्ट पे मार रहे हैं, जितना भी मार रहे हैं, उससे आपका वेट इंक्रीज होगा। आप मास्टरबीट छोड़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। एक महीने छोड़ के देखें, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे। और ये जो नई नई कहानी आती है भाइयों, इसके इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था, ये जो भी अपने आप को फेमस करने के लिए कि लड़के मेरा थंबनेल देखेंगे तो जल्दी से वीडियो देखेंगे, वीडियो वायरल होगी। भाइयों ऐसी वीडियो भाई ना बनाए तो अच्छा है। भाइयों जनरेशन को गलत राह पे भेज रहे हो आप, और उसकी वजह से पैसे कमा रहे हो, और कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो यार, इतना क्या कहूँ। बस भाई चैन दोस्तों।